मातृशक्ति ने निकाली हुंकार रैली, राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को दिया ज्ञापन। झाबुआ में सकल व्यापारी संघ महिला इकाई द्वारा एवं मातृशक्ति संगठन द्वारा हैदराबाद एवं उन्नाव में हुई बलात्कार की घटनाओं के विरोध में काले झंडों के साथ हुंकार रैली निकाली गई। महिलाओं की वाहनों रैली स्थानीय पैलेस गार्डन से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई कलेक्टर कार्यालय पहुंची। बड़ी संख्या में एकत्रित महिलाओं ने नारेबाजी के साथ यहां प्रत्येक स्कूल कॉलेज में महिलाओं को सुरक्षा का गहन प्रशिक्षण देने, दुष्कर्म पीड़ितों की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करने, फास्ट ट्रैक अदालतों को सक्रिय करने तथा फैसले के बाद दुष्कर्म करने वाले अपराधियों को तत्काल फांसी के फंदे पर लटकाए जाने जैसी अपनी प्रमुख मांगों के साथ महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मातृशक्ति संगठन ने कहा कि महिलाएं एवं बेटियों के साथ लगातार हो रही दुष्कर्म, अपहरण, हत्या की घटनाएं, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता कहने वाले भारत में किसी महिला की हत्या नहीं बल्कि भारतीय संस्कार, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म और नैतिकता का जघन्य हत्या है। ज्ञापन में मातृशक्ति संगठन ने बलात्कारियों पर नकेल कसने की बात करते हुए कहा कि झाबुआ की बेटियां अब बढ़ती हैवानियत को बर्दाश्त नहीं करेंगी। रिपोर्टर संदीप खत्री। बलात्कारियों को तुरंत फांसी दी जाए, जैसे ही उनका जुल्म साबित होता है तो उनको फांसी दी जाए तुरंत, या फिर 6 महीने के अंदर अंदर पूरा केस खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि भारत में हमेशा देखा है हमने कि केस तो चलता रहता है लेकिन इंसान खुद परलोक पहुंच जाता है, फिर भी केस चलता रहता है, न्याय नहीं मिल पाता है, न्याय से विश्वास ही उठ गया है। तो हम लोगों की मांग यही है कि तुरंत फांसी, कि तुरंत सजा हो। ये है कि 6 महीने का हम समय मांग रहे हैं कि 6 महीने तक के बाद उन लोगों को सजा मिले, लेकिन 6 महीने में लड़की तो कितनी तकलीफ देखकर वो तो जा चुकी होती है लेकिन सामने वाले को फिर भी सजा नहीं मिलती है। तो मेरा लग यही है कि जो एनकाउंटर हुआ बहुत सही हुआ और ऐसा ही होना चाहिए, एनकाउंटर ही होना चाहिए डायरेक्ट होना चाहिए। क्योंकि उस लड़की को तो सजा मिल जाती हो तो जल जल के मर गई, उसको जितनी तकलीफ उतनी उस बंदे को नहीं हुई है। हम चाहते हैं उस बंदे को भी उतनी ही तकलीफ हो, बीच चौराहे पे लाके उसको मारा जाए। प्रिया त्रिवेदी। जो महिलाओं में आज जिस तरीके से मतलब खौफ हो रहा है कि सब लोगों को अपने आप को अनसेफ समझती है कि मतलब उनके साथ कहीं भी चलते फिरते कोई दुर्घटना हो सकती है, तो वो जो एक आक्रोश है महिलाओं में, तो उसका इस तरीके से चिंगारी के रूप में भड़कना चाहिए कि चलते रास्ते अगर लड़का एक हिम्मत भी करे कि लड़की को छेड़ना है तो उसको 100 बार पहले सोचे। इस तरीके से पुलिस को और कलेक्टर साहब को इसलिए यह ज्ञापन दिया जा रहा है कि वो इस पर सख्त एक्शन ले और आगे कार्रवाई जबरदस्त। क्या नाम? नेहा संजीव।